महाराष्ट्र के अनेक जिलों में लगातार भारी बरसात के कारण रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और वही चंद्रपुर जिले में भी लगातार हो रही बारिश के कारण जीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। भद्रावती तहसील में भी भारी बरसात के कारण किसानों का आर्थिक नुकसान हुआ है और वही ग्रामीण भागों का अन्य भागों के साथ संपर्क बाढ़ के कारण टूट गया है। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। चंद्रपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जिले में अनेक स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हो गई है। वहीं भद्रावती तहसील के नदी नाले भी उफान पर हैं और इस भारी बरसात के चलते नदी नाले परिसर के सैकड़ों एकड़ खेती पानी के नीचे चली गई है और जिसे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाढ़ग्रस्त प्रभावित गाँव के खरीफ फसलों का काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और ग्रामीण भागों में अनेक स्थानों पर एक दूसरे गाँव का दूसरे गाँव से बाढ़ के चलते संपर्क टूट गया है। तहसील के कोकेवाड़ा, किनाड़ा, सोनेगांव, आस्था, अर्जुनी इस गांव परिसर के नदी तथा नाले परिसर के खेती पानी के नीचे चले जाने से किसानों का काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ है। इरे नदी के पुल पर से बाढ़ का पानी बहने से कोकेवाड़ा, शेगांव, आस्था, शेगांव मार्ग बंद हुआ है और इसी तरह अगर बरसात होती रही तो आगे स्थिति और शोचनीय हो सकती है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। सिटी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि जयशेख की रिपोर्ट।